कश्मीर में 19 जनवरी 1990 में कश्मीरी हिंदू विस्थापना काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कश्मीरी हिंदू की आतंकवादियों द्वारा की गई हत्या के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 19 जनवरी 2023 को सिविल हॉस्पिटल पार्क रोड हजरतगंज लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के सामने किया गया। मुखर्जी की प्रतिमा के सामने हम लोग आए हैं। ये लंबा इतिहास है, जब बाहर से आने वाले लोगों ने यहाँ नरसिंहार मचाया, लोगों का मर्डर किया, बलात्कार किए, उनके घरों को लूटा और वो सब दौड़ के वापस हिंदुस्तान में आए। 19 जनवरी 1990 को ये खास तौर पर हुआ था, जहाँ मस्जिदों से ऐलान किया गया, घर घर से लोग निकले और लूटपाट में लग गए। आज उस अविक्षिप्त दिवस पर हम लोग शोक हर साल मनाते आए हैं, पिछले वर्ष भी मनाया था, उससे पहले भी, और कश्मीर फाइल उस पर एक फिल्म बनी और उसमें भी इस बात को दर्शाया गया। आज फिर से हम लोग उस काले दिन को याद करने आए हैं, भारत सरकार से ये मांग करने आए हैं, जो लोग वहाँ से विस्थापित किए गए हैं उनको स्थापित किया जाए, उनका स्थापन किया जाए, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उन पर आज तक एक FIR नहीं हुई है, वो FIR हो, उन पर वो चले, उन पर केसेज बने। आज तक भारत सरकार के, भारत के संविधान, सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने कहीं कोई उस पर ध्यान नहीं दिया है। ये जैसे 1984 के दंगों का हुआ था उस तरह का, इसमें भी आयोग बैठाया जाए और सब जाँचे हों और लोगों को सजा मिले। आज के दिन का ये कार्य। सर, आप कश्मीर से हैं और आज जो काला दिवस मना रहे हैं वो यही है कि कश्मीर से जो लोग का पलायन किया था, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस समय के बारे में? हम आपसे यहाँ से शुरू करेंगे कि आप सबको, आप इतने साल में विदित हो गया है कि 1990 में कश्मीर में क्या हुआ था। एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे सामने, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, पनू फाइल जो कश्मीर फाइल आई थी, उससे बहुत सी लोगों को पता लगा, देश के अन्य जो राष्ट्र प्रेमी थे हिंदू हमारे सारे, उन सबको पता लगा वहाँ क्या हुआ, और सबने बड़ा अफसोस जाहिर करते हुए ये कहा, आश्चर्य किया कि हमको इतने साल तक, 30 साल तक पता नहीं लगा, आज 33 साल पूरे हो रहे हैं और हमको पता ही नहीं लगा ऐसा हुआ। हमसे पूछा गया कई बार, मीडिया ने भी और दूसरों ने भी, क्या ये जो दिखाया गया ये सत्य है? मैंने कहा ये 100% सत्य है। हाँ, 33 साल का इतिहास 3 घंटे में नहीं दिखाया जा सकता और बहुत सी चीज़ें सेंसर ने काटी हैं, मगर जितनी दिखाई गई हैं वो सत्यता से भरी पड़ी हैं। अब आज का दिन मैं आपको बताऊं, जैसा आपको विदित है, मीडिया को भी सारे चीज़ों को, कि आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि मीडिया भी इतना जागरूक हो गया इस विषय के ऊपर, जो कि पहले 1990 में नहीं था। मानता हूँ मीडिया इतना प्रभावशाली नहीं था, प्रिंट मीडिया ने भी उस वक्त कुछ नहीं किया था, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कम से कम मीडिया जागरूक है, इस सब्जेक्ट के ऊपर अपना जुड़ रहा है और चीज़ें वो कर रहा है। और हमें एक यही चीज़ कहनी, हर साल इसी दिन हम याद करते हैं, और हम शायद इतने लंबे में आपको ना बताएं कि 1990 में क्या हुआ था, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा आज की करंट स्थिति में, कि हर साल हम इसको बना करके ये बताना चाहते हैं पूरे देश को, सभी राष्ट्रवादियों को, कि भाई हम अभी एग्जिस्ट करते हैं। देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।